वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये मेरा सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में आप देखने वाले हो चाइना की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन और चाइना का जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में व्हेन इट कम्स टू बुलेट ट्रेन सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया में अगर कहीं चलती हैं तो वो है चाइना में। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टाइप की बुलेट ट्रेन हैं जो आप सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो इस मेरी चाइना सीरीज में। तो अगर व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दबा देना। 7 बजे हमारी ट्रेन है। 2 दिन से मैं हूँ इधर एंड 2 दिन मुझे समझने में निकल गए। इतनी चीजें हुई हैं 2 दिन में, चाहे वो VPN हो, चाहे वो मैं कैब बुक नहीं कर पा रहा था खुद से, मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन somehow we managed। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने खुद रिसर्च करके निकाली है 2 दिन में वो मुझे कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिली, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगा, इसलिए व्लॉग को एंड तक देखना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा स्टेशन जाके। और बाहर टेम्परेचर हो रहा है कुछ लगभग -4 डिग्री सेल्सियस। ये रूम था जो मैंने इमरजेंसी में लिया था, वो मैं आपको बताऊंगा किस चीज की इमरजेंसी। बट एनीवे, ये जैकेट पहनते हैं, सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। ओह -3। कैब बुक की है मैंने गाइस, कैब आ रही है अभी बस थोड़ी देर में। अली पे के बारे में आपको मैं आराम से बताऊंगा, मेरा कार्ड चल रहा है अली पे में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पता नहीं आप लोगों के लिए वीडियो आ ही नहीं पाते, क्योंकि अली पे और वी चैट ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि चाइना ट्रिप इनके बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, गणित मैथ्स उसकी, पर अभी कैब आन दो। तो यहाँ पे ना मतलब कोई भी रेस्टोरेंट जाओ, कैफे जाओ, आपको अंदर हीटर चलता हुआ मिलेगा ही, उसके बिना यहाँ सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। इमेजिन करो याकुत्सक या फिर वो वर्खो यांस्क करके कोई जगह है जहाँ -60 तक भी जाता है। ये थी मेरी टैक्सी, बहुत अच्छे भैया थे, इंग्लिश आती थी इनको। और ये है भाई बीजिंग का साउथ रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन चलती हैं और बहुत सारे स्टेशन हैं बीजिंग में। दिस इज वेस्ट एंट्रेंस। तो हम एंटर करते हैं, फिर मैं आपको तरीके बताता हूँ। चाइना में पासपोर्ट स्कैन होता है पहले ही, तो आपको मैंने मोबाइल पे दिखाया भैया के जो हमको छोड़ के गए कि भाई -7 हो रहा है अभी। यहाँ ना सिक्योरिटी पहले हो जाती है। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं बीजिंग साउथ स्टेशन, और आपको लगेगा जैसे आप प्रॉपर एयरपोर्ट के अंदर आए हो। चाइना में ना जैसे बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि अंदर आने से पहले सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। ये देखो भाई, इट्स ह्यूज। चलते जाओगे ना आगे तक, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब भाई बहुत बड़ा है। चाइना में इंडिया जैसे ट्रेन्स में वेटिंग लिस्ट होती है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है लोग ट्रैवल करते हैं बुलेट ट्रेन्स में। सो अगर आपको यहाँ पे बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करना है तो मेक श्योर आप वेल इन एडवांस, मतलब 4-5 दिन पहले एटलीस्ट बुकिंग करना, वरना एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी। तो शंघाई मुझे कल जाना था, मतलब यस्टरडे जाना था, लेकिन कोई एक ट्रेन खाली नहीं थी। और सोचो बीजिंग से शंघाई है 1200 किलोमीटर, और लगभग 64 बुलेट ट्रेन चलती हैं, और न जाने कितनी स्लीपर ट्रेन चलती हैं, लेकिन एक में भी जगह नहीं थी। बहुत लोग जो है बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते हैं चाइना के अंदर, मेरे ख्याल से प्लेन में तो बाद में करते हैं लेकिन बुलेट ट्रेन में ज़्यादा करते हैं। वहाँ देखो KFC, स्टारबक्स, बर्गर किंग, सब कुछ है भाई इस एयरपोर्ट में, क्या नहीं है। एक तो ये इतना बड़ा है पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अंदर पूरे हीटर्स वगैरह चल रहे हैं एयरपोर्ट के, तो बाहर जो है -3 -4 हो रहा है, अभी दिखाया मैंने आपको, तो अंदर ना वो फील नहीं हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और अभी मैं पीने वाला हूँ कुछ कॉफ़ी वगैरह। यहाँ पे बुलेट ट्रेन्स के बोर्डिंग गेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2A, 4A, 6A, 8A, ये सारे बोर्डिंग गेट्स हैं बुलेट ट्रेन्स के। कोई फ़र्क हुआ ही नहीं ना प्लेन में और बुलेट ट्रेन में। प्लेटफॉर्म में आप जा ही नहीं सकते हो, मतलब जब आपकी ट्रेन की बोर्डिंग शुरू होगी तभी आप अपने प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, उसके पहले आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। पूरा सिस्टमेटिक तरीका है, ये नहीं है प्लेटफॉर्म में कोई भी घूम रहा है, सबको यहीं पर वेट करना पड़ेगा तब अंदर स्टेशन के। तो ये टिकट मैंने कल स्टेशन से ले ली थी, ठीक है, और मुझे ये पड़ी है 667 युआन की। कन्वर्ट करूँ तो लगभग अराउंड 7,500 रुपये की मुझे टिकट पड़ी। बाय द वे बीजिंग शंघाई का जो डिस्टेंस है वो है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर के लिए बुलेट ट्रेन में अगर मैं फर्स्ट क्लास कराता तो मुझे पड़ती वो 12,000 रुपये की, और बिजनेस क्लास कराता तो लगभग 28,000 रुपये की टिकट पड़ती। 1200 किलोमीटर भाई साहब, हम कवर करेंगे कुछ 5 घंटे में, मतलब दिल्ली से बॉम्बे 5 घंटे में, मतलब क्या जर्नी होने वाली है ये आप अंदाज़ा ही लगा लो। शंघाई जो है वो कमर्शियल कैपिटल है चाइना का, बीजिंग कल्चरल कैपिटल है चाइना का,
और पूरी गवर्नमेंट वगैरह यहाँ से ऑपरेट होती है। देख लो मेरे पीछे भाई, दिस इज द ओवरऑल बीजिंग स्टेशन। चेक इन गेट्स हैं ये लाइन से, लगभग 22 चेक इन गेट्स हैं। टिम हॉर्टन्स भी है। तो ऑर्डर कर दिया मैंने, कुछ 72 युआन का बिल आया, लगभग 750-800 रुपए का। कल से कुछ खाया ही नहीं है तो मैंने कोई रैप भी ले लिया। दूसरी चीज, यहाँ पे जो फास्ट बुलेट ट्रेन है ना, उनको डिनोट करते हैं जी से, और डी कैटेगरी की जो ट्रेन हैं वो भी बुलेट ट्रेन में आती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो हैं कंपेयर टू जी क्लास। अभी जी वाली ट्रेन जो हैं बुलेट ट्रेन, इनमें बिजनेस क्लास भी है, फर्स्ट है और इकोनॉमी, तीन तीन क्लासेस हैं। तो एक बहुत कॉमन चीज़ जो आपको चाइना और इंडिया में मिलेगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब आपको हर जगह दिखेंगे, भसड़बाजी हर जगह दिखेगी, क्योंकि आपको पता है चाइना पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री था इंडिया के पहले, अभी इंडिया हो गया। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, भसड़ बहुत मिलेगी, लाइन बार बार, तभी यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट जो है, यूजली ट्रेन में वेटिंग लिस्ट मिलती ही मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है चाइना की, बहुत ज़्यादा। एक और टिकट ले ली, आप चाहो तो स्टेशन से भी टिकट परचेज कर सकते हो, अगर अली पे वीचैट नहीं चल रहा है तो। अभी मैंने अपना अली पे एक्टिवेट कर लिया है, बट एनीवे आप चाहो तो कैश से स्टेशन से भी परचेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी किया, और कल की टिकट भी मैंने स्टेशन से की थी। हमारी ट्रेन है G1 और चेक इन हमारा शुरू हो गया है, तो अब एंटर करते हैं। फाइनली एंटर कर गए हम प्लेटफॉर्म पे आधे घंटे पहले, और हमारी ट्रेन है राइट पे, एंड हमारा कोच है कुछ 04, सीट है 1। यहाँ पे आके अब ठंड लग रही है, एंड दिस इज द एडवांस बुलेट ट्रेन, वो देख रहे हो व्हाइट वाली, थोड़ी पुरानी वाली है। प्लेटफॉर्म आने से पहले मैंने अपनी टिकट दिखाई नहीं, सिर्फ मैंने पासपोर्ट दिखाया, और उनके सिस्टम में ऑलरेडी मेरा पासपोर्ट नंबर इंस्टॉल था। उन्होंने पता नहीं मशीन में, मतलब सोचो, बिलीव करो, पासपोर्ट स्कैन किया एंड बोला ठीक है जाओ। अरे भाई, बुलेट ट्रेन में पूरे एयरपोर्ट के मज़े हैं। और हमारा कोच है 4 है हमारा। ये देखो भाई, एंटर करते हैं, यहाँ पर सामान रखने की जगह है। ये है बुलेट ट्रेन, एंड इस वॉशरूम को देखो, बहुत ही साफ, बहुत ही क्लीन, एंड ये है गर्म पानी के लिए, बाय चांस पानी या चाय कॉफ़ी अगर आपको बनानी है बना सकते हो। तो ये बिजनेस क्लास में भी है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, एंड द बेस्ट पार्ट, ये देखो भाई, ये पूरा सिंक वगैरह दिया है ट्रेन के अंदर, और कितना क्लासी लग रहा है ना, ये देखो पूरा वुडन, और ये लाइट्स वगैरह पड़ रही हैं, बहुत कमाल की, काफ़ी लग्जूरियस ट्रेन है। तो हम निकलेंगे बीजिंग से अराउंड 7 बजे, अभी भी टाइम है हमको निकलने में। और देखो 7 बजे भी यहाँ पे ना बिल्कुल सनराइज़ नहीं हुआ, अभी भी अंधेरा ही है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि चाइना बहुत बड़ा है और टाइम जोन वो एक ही फॉलो करता है, तो अभी भी सुबह नहीं हुई है और 7 यहाँ पे बज चुके हैं। सो फार सो गुड। लेग स्पेस इतनी ज़बरदस्त है, मतलब दो इंसान खड़े हो जाए। अगर मुझे रिक्लाइन करना है ना, तो इसको ये ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, ये रिक्लाइन हो जाएगी। तो जैसे अगर आप एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। और हम 7 बजे निकलेंगे, एक्चुअली वो घंटी बजी थी बगल वाली ट्रेन के लिए और मैं डर गया, मैं अंदर आ गया। ये जो ट्रेन है ना, मतलब ये 100% चाइनीज मेड नहीं है, आई थिंक सो, डोंट कोट मी ऑन दैट। एक जो व्हाइट वाली ट्रेन देखी थी ना, वो भाई 100% चाइनीज मेड है, जहाँ तक मुझे पता है, बट अगर किसी को ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हर कोच में एक ना एक क्र्यू भी है जो आपको असिस्ट करेगा कोई भी चीज़ को लेके, और मैक्सिमम केसेस में ये जो क्र्यू होता है ना, इनको इंग्लिश भी आती है, ये एक बढ़िया चीज़ है। अब भाई, मतलब जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, बाहर अभी टेम्परेचर है माइनस में और अंदर बिल्कुल हीटर चल रहा है, मेरा मन तो कर रहा है भाई एक कोई एक्सट्रीम जर्नी की जाए, मतलब एक्सट्रीम मतलब कि चाइना के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो अगर आप चाहते हो कि वो मैं जर्नी करूँ, बताओ कमेंट करके, आप इंटरेस्टेड हो ऐसी कोई लॉन्ग हार्श, जैसे मैं पहले करता था 60-70 घंटे की जर्नी करता था, तो अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हो ऐसी जर्नी में तो बताओ, करेंगे पक्का चाइना के अंदर। ये देखो भाई, पूरा ग्राफिक चल रहा है अंदर, नंबर 4 लिखा है, और बीजिंग, इसको ना चाइनीज में बीजिंग नान स्टेशन से शंघाई स्टेशन, तो एक स्टेशन आएगा बीच में जिनान करके, जिनान, वहाँ पे भी रुकेंगे। तो ट्रेन में ही स्टारबक्स कॉफी सर्व की जा रही थी, स्टारबक्स का कोलैबोरेशन है चाइना रेलवेज के साथ, तो सुबह सुबह पेट कॉफी थी, वो फ्री नहीं थी। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तब आपको चीजें मिलती हैं फ्री। फुशिंग हाओ लेचे फंगू रेनयान, बनसे लेचे चैन ले जिनयान
तो फाइनली हम निकल चलते हैं 1300 किलोमीटर लंबी जर्नी करने के लिए, वो भी चाइना में। और ये ब्लॉग मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगा, पर नेक्स्ट स्टेशन की इन्फॉर्मेशन ऊपर स्क्रीन में भी आती है। एंड ये जो होती हैं क्रू, ये आके मेरी टिकट चेक करती हैं, और खाना भी जो है काफ़ी कुछ सर्व किया जाता है, बट वो होता है पेड। एंड दिस इज़ द हैंगर ऑप्शन जहाँ पर मैं अपनी जैकेट टांगने वाला हूँ। एक्चुअली में मेरी सीट होती है ये सबसे फर्स्ट वाली, और सामने ट्रे टेबल जो पहली सीट में होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। निकलने के ठीक 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन पूरी फुल स्पीड पकड़ लेती है, और अंदर से नज़ारे देखते ही बनते हैं। लगता है अभी ये टेक ऑफ के लिए ट्रेन जा रही है। इट वॉज अराउंड 320 किलोमीटर्स पर आवर प्लस, और ये जो सामने देख रहे हो ये ओवरनाइट ट्रेन हैं स्लो वाली। तो ये सारे फ्रोजन पॉन्ड्स हैं जो कि आपको रास्ते भर दिखने वाले हैं जब आप बीजिंग से निकलते हो टुवर्ड्स शंघाई। तो बीजिंग पड़ता है नॉर्थ रीजन ऑफ चाइना में, जहाँ पे बर्फ कम पड़ती है, कोल्ड डेजर्ट इसको आप बोल सकते हो, बट टेम्परेचर इट गोज टू -20, -25 इन पीक ऑफ दिसंबर। तो चाइना में एक नहीं बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि कोई कंट्री में इतनी ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो सकती हैं। ये आप जो देख रहे हो ये अगेन एक फ्रोजन पॉन्ड है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर की वजह से पूरा का पूरा जम चुका है। अगले 200 किलोमीटर तक आपको जमे हुए लेक्स और जमे हुए शहर, बर्फ, यही सब मिलने वाला है अगर आप ट्रैवल करते हो इस रूट में। कोई तो स्टेशन है बीजिंग से 30 किलोमीटर आगे, है पहला स्टॉप है, और स्मोकिंग ट्रेन के अंदर अलाउड नहीं है, तो लोग बाहर ही स्मोक कर लेते हैं और फेंक देते हैं। तो चाइना में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और भाई रास्ते में ना हर जगह फ्रोजन लेक्स, फ्रोजन पानी, हर जगह भाई जमी हुई चीज़ें दिख रही हैं। अभी फ़िलहाल तो अच्छा खासा सनराइज़ है, और शायद जब मैं नेक्स्ट टाइम बीजिंग आऊँगा अगले हफ्ते काफ़ी बारिश है यहाँ पर, तो सकता है काफ़ी स्नोफॉल भी देखने को मिले, और मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकता, बाहर बहुत ठंड है। तो हाँ, तो चाइना में एक नहीं बहुत सारे रूट्स हैं जिनका नाम अगर मैं लूँगा तो शायद ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पता नहीं कोई तो हम शहर क्रॉस करते हैं, लाइट्स देखो, रोज देखो, मैं तो भाई देख के हैरान हो गया कि पता नहीं इस शहर का नाम भी नहीं जानते, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सोचते ही बनता है कि इवन चाइना के गांव-गांव भी कितने ज़्यादा डेवलप हैं। तो ये मेरे सामने जो देख रहे हो ये कोई नॉर्मल विलेज है, लेकिन आप देखो तो लाइट से लेके बिल्डिंग से लेके कितना ही सब कुछ कमाल का है। तो उस गांव से आगे आने के बाद हमको मिलती है काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल, और ये काफ़ी फ्रेश स्नोफॉल होती है। वैसे भी वेदर में प्रिडिक्टेड था कि स्नोफॉल बीजिंग में या शंघाई में होनी ही थी, तो मेरे को रास्ते में दिख गई, एंड वाइट स्नो के साथ ये पूरा नज़ारा बहुत ही कमाल का था। स्टारबक्स की कॉफ़ी आपको ट्रेन में भी मिल जाएगी, और भाई अभी तो एक घंटा हो चुका है ये चल रही है ट्रेन फुल स्पीड में, बिना रुके, कोई स्लो डाउन्स नहीं है। तो जैसे ही मैंने वॉशरूम का ये दरवाज़ा लॉक किया ना, ये अनलॉक, ये लॉक जैसे ही किया, भाई एक स्पीकर में एक आंटी आई, कहती भाई कि बाथरूम के अंदर स्मोक मत करना। चार बुलेट ट्रेन ट्राई की हैं, चाहे वो जापान की हो, कोरिया की हो, या फिर अभी चाइना की हो, भाई ये इतनी स्मूथ है ना,
इतनी ज्यादा स्मूथ है, मेरे को मैं वॉशरूम गया भाई, लग ही नहीं रहा कि भाई ये 350 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है। अब यकीन करो 350 किलोमीटर स्ट्रेट, और लगभग जैसे मैंने बोला आपको 1200 किलोमीटर दूर है शंघाई बीजिंग से। मतलब भाई 5-5.5 घंटे में दिल्ली बॉम्बे का रास्ता ये ट्रेन कवर कर रही है, तो आप सोच लो क्या स्पीड होगी यार। जैसी कोई ट्रेन निकलती है ना इधर से, मतलब लगता है कि ये ट्रेन हिल गई, मतलब झटका पड़ता है एकदम से। आप सो रहे होते हो, स्मूथ राइड चल रही होती है, बिल्कुल सीधा लगेगा आप प्लेन में चल रहे हो। और वैसे भी बहुत शांत ट्रेन्स हैं चाइना की, कोई बात नहीं करता फोन में, पिन ड्रॉप साइलेंस है। तभी देखो मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं धीरे भी बात करूँगा ना तो भी लोगों को आवाज़ आ जाएगी। तो जब सो रहे होते हो, चल रहे हो, आपको लगेगा फ्लाइट के ऊपर हो, जैसी साला ये ट्रेन निकलती है ना आपको लगेगा भाई टर्बुलेंस आ गया खट से। मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी कि वो बगल वाली ट्रेन पूरा हिला देती है इस ट्रेन को से। अभी वो आइसक्रीम लेकर आए, तो बाय द वे ट्रेन में ना खाना पीना बहुत तरीके से मिलता है, सब कुछ, योगर्ट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, कॉफ़ी तक। तो अभी वो आइसक्रीम मुझे पसंद आ गई भाई, मैंने आइसक्रीम ले ली, मेरे को लगा होगी भाई कुछ 3-4 युआन 5 युआन की, भाई साहब 43 युआन की आइसक्रीम। वो तो अच्छा हुआ, मतलब मैंने अपने टेबल में रख ली थी, बट अच्छा हुआ भाई मेरे पास कैश ही नहीं है, क्योंकि मैंने अगली ट्रेन टिकट बुक करने के लिए पूरा कैश यूज़ कर लिया। तो अच्छा हुआ भाई मैं बच गया और अली पे में पैसे नहीं गए, मतलब अब सामने से उठा ली है तो भाई ना खरीदो तो बेइज्जती होगी, तो इसलिए अच्छा हुआ भाई कैश भी नहीं है, अली पे भी नहीं हुआ, तो मेरे पैसे बच गए, वरना घुस जाते। तो अगर आइसक्रीम लोगे ना तो प्राइस देख के लेना, 43 युआन की थी यार गाइस, सोचो 500 रुपये की छुटकी सी आइसक्रीम, छुटकी सी। वी आर रीचिंग नानजिंग, और नानजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है चाइना में, बहुत डेवलप्ड है भाई। मतलब पूरा मौसम बदल गया आज शंघाई में और नानजिंग में, बहुत ज़बरदस्त बारिश है वो देखो। तो आगे वाली सीट्स का फ़ायदा ये है कि इसमें लेग स्पेस ज़्यादा है, और आपको लगेगा जैसे पता नहीं पूरे कोई रेस्टोरेंट कार में आप बैठे हो, हमने ये टेलीविज़न चलता रहता है, बहुत कम्फर्ट सीन है। और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आज, क्योंकि धूप आई नहीं, शुरू शुरू में आई थी बस, उसके बाद तो धूप आई नहीं। वी आर इन नानजिंग राइट नाउ, और आई थिंक 5 मिनट ये ट्रेन रुकेगी। और भाई बहुत ठंडी हवा है इधर, बहुत ज़्यादा, यहाँ से 316 किलोमीटर है शंघाई। वाओ भाई मज़ा आ गई बाहर निकल के। आई थिंक बाहर अभी यहाँ पे हो रहा है 2 डिग्री, और ये हमारा दूसरा स्टॉप है पूरी जर्नी में। एक रुके थे जब मैंने आपको दिखाया, दूसरा सीधा नानजिंग में आके रुके हैं, और थर्सडे को यहाँ पे स्नोफॉल है, मैं देख रहा था, आज 0 है नानजिंग में। एक चीज़ बढ़िया लगी, मतलब देखो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गैप कितना कम रखा है, मतलब किसी का भी पैर ना फंसे करके। बट जापान में तो एडिशनल सिक्योरिटी होती थी, जापान में मतलब बाहर एक और लोग वो बैरिकेड लगा देते थे ट्रेन के बाहर, यहाँ पे बैरिकेड वगैरह नहीं है, बट फिर भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन मतलब डिस्टेंस काफ़ी कम ही है। सबसे चौंकाने वाला सीन तो ये था, इन्होंने भाई पूरी नदी के ऊपर पुल बनाया हुआ है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाय द वे। ट्रेन की स्पीड अभी भी 350 किलोमीटर है, इतना लंबा पुल अगर कहीं पे भी हो तो पक्का स्पीड रिस्ट्रिक्शंस तो होते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं शंघाई में, और यहाँ पे भाई अच्छी खासी ठंड है। अभी क्या हुआ है ना, बारिश की वजह से यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है बहुत गिर गया है, तो अभी 12 बज रहे हैं तो भी देखो ठंड कितनी ज़्यादा है। तो भाई सामने से देख लो, कुछ ऐसी दिखती है ये बुलेट ट्रेन, हवा में उड़ के आए हम बाय द वे। गाइस कमाल का एक्सपीरियंस था, मतलब जो भी हमारा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल था बिल्कुल उसी वक्त में आए हैं, और 1-2 मिनट भी लेट नहीं हुए। ऑल्सो बहुत सारे लोग ना आगे कनेक्ट करते हैं, तो चाइना में सपोज़ करो किसी को शंघाई से आगे जाना है, तो मतलब अगर आप बुकिंग करोगे ना तो बुकिंग में कनेक्शन में 2 बुलेट ट्रेन दिखा देगा, और उनका गैप कई बार 20-20 मिनट भी गैप होता है। मतलब इन लोग इतने श्योर हैं कि इनकी एक ट्रेन टाइम से ही पहुँचेगी, तो अगला
अगली ट्रेन की बुकिंग एक साथ करा सकता है। आई होप आप समझ गए हो ना, जैसे ट्रांसफर होता है ना प्लेन में, इसमें भी ट्रांसफर का ऑप्शन है बुलेट ट्रेन में। दे आर सो श्योर कि टाइम से ही पहुँचेंगे। यहाँ बहुत ठंड है गाइस। तो ये है शंघाई स्टेशन जहाँ पे हमारी ट्रेन आई है। ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं, तो अभी तो हम कैब से चलेंगे, पहले सामान वामान रख दें, क्योंकि मेट्रो से जाएंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो बाहर निकलते वक्त भी आपको पासपोर्ट वासपोर्ट स्कैन कराना पड़ता है शायद। ये हम आ गए बाहर शंघाई स्टेशन के, और अब हम कैब बुक करेंगे, और पास में मेट्रो स्टेशन भी है। जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलते वक्त मेरी टिकट चेक की, वो जो पत्ता दिया था ना छोटा सा, उसको बाहर निकलते वक्त चेक किया। और बाय द वे संभाल के रखना, तो चाइना में भी अगर आपकी टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होती बाई चांस, तो वो छोटा सा स्लिप पकड़ा देंगे आपको, वही आपको अपना पास संभाल के रखना है। तो मैंने जो आगे की टिकट बुक कराई है वो मैंने कैश से ली है, उसका भी उन्होंने पत्ता पकड़ा दिया, मतलब स्लिप टाइप की पकड़ा दी। उसके अलावा कोई प्रूफ नहीं टिकट का, तो घुमा मत देना वरना बहुत बुरा फंसोगे। उसके अलावा मैंने ऑफलाइन टिकट परचेज की, जो अगली ट्रेन की ना, वो लगभग 200 युआन सस्ती पड़ी मुझे, ऑलमोस्ट 200 युआन, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन वो सेम टिकट मुझे 1000 युआन की पड़ रही थी, 1050, और मैंने बुक की कुछ 870 युआन में, मैंने ऑफलाइन बुक की स्टेशन से। तो स्टेशन से बुक करोगे तो सर्विस फ़ी वगैरह या फालतू चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड नहीं होती, सस्ती पड़ जाती है। मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया, हालांकि मैं ऑनलाइन ही बुक कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने ऑफलाइन कर लिया। अभी मैं KFC आया था, तो यहाँ पे देखो ये वीचैट का स्कैनर है, ये अलीपे का स्कैनर है। यहाँ पे आपको हाथ के साथ अपने आप ही बोल देंगे भैया खुद ही स्कैन करो और ऑर्डर कर लो, इन लोग कैश खुद अवॉइड करते हैं। तो मैंने अलीपे से पे कर दिया। भाई अलीपे मतलब इज़ अ लाइफ सेवियर इन चाइना। अगर अलीपे नहीं है तो बहुत बुरा, मतलब दो दिन जो मैसेज जो बीती है मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं होटल जाके डिस्कस करूँगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, जो किसी ने अभी तक डिस्कस किया ही नहीं आप लोगों से, जो मैं करूँगा। एनीवे अलीपे से पे हो गया। तो भाई ये अपनी सुबह से पहली मील है, ये है डाइट कोक और ये है चिकन पॉपकॉर्न। इंडिया में मसालेदार मिलते हैं, यहाँ मसाला साला कुछ नहीं है। और ये कोई एग टार्ट है, पोर्चुगीज़ एग टार्ट, तो एक ये ले लिया और दो केचप ले ली मैंने। ये मुझे पड़ा कुछ 425 रुपए का, लगभग 37-38 युआन कटे हैं। तो चाइना में भी ना मतलब अगर आप खाते हो तो सेल्फ सर्विस है, और खाने के बाद आपको ट्रे जो है ट्रैश कैबिन के पास रखनी पड़ती है, अपना खाना आपको फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे भी है ये रूल, मतलब कोरिया और जापान में तो ऑफकोर्स है ही, वो तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी। मैंने उम्मीद नहीं की थी भाई मतलब इतना ठंडा मौसम मिलेगा, लेकिन मज़ा आ रही है इस मौसम में। फटाफट होटल जाके ब्लॉग जो है मैं एंड करूँगा। तो ये देखो चाइना में कैसे लोग टैक्सी वाले लाइन लगा के खड़े हैं, एक के पीछे एक, मतलब शायद आगे वाले का कोई पैसेंजर नहीं आया होगा तो पीछे वाला रुक गया। और देखो ये इतने सेंसिबल तरीके से चलते हैं ना, ये देखो सब लाइन लगा के खड़े हैं, तो जाम भी नहीं होता, समझ रहे हो मतलब। ये देखो, और सारी यहाँ पे टैक्सीज इलेक्ट्रिक हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ 70-80% मैंने इलेक्ट्रिक टैक्सीज में ही सफ़र किया है। इवन गाड़ियाँ भी आपको पूरी इलेक्ट्रिक मिलेगी मैक्सिमम। तो चाइना लगभग 70-80% तक पूरा EV में आ चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये आ गए हम अपने होटल। अब मैं आपसे बात करता हूँ, तो देखो सब ने बोला कि भाई VPN चला लेना चाइना में, वो तो सबको पता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अगर आपके पास VPN भी है तो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है दीदी ऐप जिसमें आप कैब बुक करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अलीपे वीचैट, वो किसी ने नहीं बताया कि डाउनलोड कैसे करना है। तो मैं बताता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। पहले बात तो आपको ऐप स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, उसके बिना आप अपने फोन में डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे, और जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक यूज़ कैसे करोगे। रीजन चेंज करना इतना आसान नहीं है। फिर मैंने VPN कनेक्ट किया, फिर मैंने ऐप स्टोर से जाके मतलब अपना ऐप स्टोर जो है मैंने चाइनीज वर्जन किया, रीजन चेंज किया, फिर वहाँ से मैंने ये ऐप्स डाउनलोड किए हैं, उसके बाद जाके मेरे को मैं कैब वगैरह या फिर अलीपे से बुक कर पा रहा हूँ। अलीपे और दीदी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।